भगवान वाल्मीकि आश्रम धूणा साहब विखे महंत मलकीतनाथ के चेयरमैन ओम प्रकाश गब्बर की अगवाई हेठ संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेदकर का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर विशेष तौर पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने केक कटिया ते संगतां नूं इस दिहाड़े की बधाई दिती है। इस मौके आप दे विधायक जीवन जोत कौर, डॉक्टर जसवीर सिंह संधू और बाबा बकाला तो विधायक दलवीर सिंह टोंग हाजिर सन। इस मौके बिजली मंत्री ईटीओ ने पत्रकारों नाल गलबात करदिआं कहा कि विरोधी जो मर्जी कहण पर आप दी सरकार पूरी सफलता दे नाल चल रही है। महंता वालों वाल्मीकि तीर्थ का बनिया सरकारी बोर्ड भंग करके इसका प्रबंध महंता नूं देण दे मुद्दे ते कहा कि वह जल्द ही मुख्यमंत्री भगवंत मान नाल महंता की मीटिंग करवाउणगे। वाल्मीकि तीर्थ के उत्ते नतमस्तक होने आए हैं। अज बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी का 101वां जन्म दिहाड़ा है। सो मैनू माण महसूस हो रहा है कि साढ़े मुख सेवादार बाबा मलकीतनाथ जी एंड जो चेयरपर्सन ने ओ पी गब्बर जी उन्होंने सानू इत्थे मौका दिता है आउंदा। सो नतमस्तक होने आए हैं नाल दे नाल असी बाबा साहब बी आर अंबेडकर जी का जिहड़ा जन्म दिहाड़ा मनाउण वास्ते लोकां अपने समाज के बंदियां नूं शुभकामनावां देण वास्ते इत्थे पहुंचे। डॉक्टर साहब, पंजाब दे विच बिजली की काफ़ी समस्या आ रही है, विरोधियों वालों आम आदमी पार्टी के सवाल चुके जा रहे हैं जी। नहीं, समस्या तो गर्मी के सीजन के थोड़ी बहुती आती है, पर जे आप कही कि बिल्कुल ही समस्या है जो बिजली नहीं आ रही, यहोजी कोई गल नहीं हैगी, क्योंकि असी बदलवें प्रबंध सारे ही किए हुए हैं। कोई 15,000 मैगावाट बत्ती साढ़े पीक सीजन के चाहिए होंगी है, पैडी सीजन अगे वो भी। सो असी पूरी निगाह रखी हुई है और कोई यहोजी घबराने वाली गल नहीं है। असी अपनी डिमांड जी पूरी कर लवेंगे। असी मार्च के महीने के 1000 मैगावाट वध बत्ती दी जिहड़ी आ खपत होई आ वह भी असी दित्ती आ। आम आदमी पार्टी ने चोणों तो पहला लोगों के वादा किया कि 300 यूनिट हर घर को माफ़ किया जाएगा, हाले तक आम आदमी पार्टी वालों लागू नहीं किया गया। देखो जी, हाले तक का मतलब है जे सानू सत्ता नूं संभालिया ही एक महीने का समा भी नहीं होया, पर असी पूरी सुहिरदता दे नाल इहदे ते काम कर रहे हैं। जल्दी असी अपना ये जिहड़ा वादा आ वह पूरा कर देंगे। बिजली बोर्ड के कुछ अफसरां दी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नाल मीटिंग हुई है, हालांकि उस मीटिंग के ना तो पंजाब के मुख्यमंत्री से ना तुसी ही उहदे विच, ते विरोधियों के वल्लों उहदे ते भी सवाल चुके जा रहे हैं। सवाल मसला यह नहीं है जी मीटिंग किहदी हुई है, मीटिंग च कौन बैठता है की आ, मसला यह आ कि पंजाब के प्रति कौन सुहिरद, पंजाब दीआं समस्यावां किवें हल होणियां ने, पंजाब दे लोकां नाल कीते वादे किवें पूरे करने ने, और जनता नूं किवें जिहड़ी आ ਉਹ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ। ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜੁਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਚੁਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਾਡਲ ਦਾ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਕੋਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਪਾਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰੋਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਲਿਫਟਿੰਗ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੁੰਗੜਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਰੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਆ ਜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਗਏ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਿੱਠਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਏ, ਇਕੱਲਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ?
जिन्हां बंदियां बारे कह रहे ने पंजाब दे कोने कोने तो जानू ने पंजाब दे घर घर तो जानू ने उन्हां नूं पंजाब दी हर एक तरह की मुश्किल का जिहड़ा है वो पता है। सो ये जिहड़े हैगे ने जिहड़े इल्जाम ने ये बेबुनियाद ने। इस तरह विधानसभा हलका राजा संसी अधीन आउंदे पिंड बलगण विखे आम आदमी पार्टी वालों संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेदकर का जन्मदिन ते खालसा पंथ का स्थापना दिवस बड़ी श्रद्धा नाल मनाया गया। आम आदमी पार्टी के हलका राजा संसी तो इंचार्ज बलदेव सिंह मियादिया ने मुख मेहमान वजों शिरकत की केक कटिया। इस मौके गलबात करदिया सरदार मियादिया ते बीबी लखविंदर कौर बलगण ने समूह संगतां नूं डॉक्टर अंबेदकर अते खालसा साजना दिवस दीआं वधाईआं दित्तीआं। उन्हां पत्रकारां नाल गलबात करदिया कहा कि आम आदमी पार्टी दी सरकार बहुत जल्द लोकां नाल कीते सारे वादे पूरे करेगी क्योंकि सरकार शहीद आजम सरदार भगत सिंह अते बाबा साहब दी सोच नूं लै के अगे वध रही है। वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। सो अज बहुत खुशी वाला दिन आ कि अज साडे डॉक्टर अंबेदकर जी जिहड़े सांझी सोच दे मालक सी जिन्हां ने हर लड़ाई जिहड़ी अपनी अगे वध के लड़ी अज उन्हां दा जन्म दिहाड़ा 171वां। सो इस करके क्योंकि वह हर पक्खों से जां समाज कलोला उन्होंने वह भी लड़ाई अगे वध के लड़ी उन्होंने बच्चों की लड़ाई अगे वध के लड़िया उन्होंने क्योंकि बड़ी छोटी उम्र के जो उन्होंने लड़ाइया लड़निया शुरू कर दित्तियां सी अज उन्हां दा जन्म दिहाड़ा है और इस करके असीं पिंड बलगणा दे विच पहुंचे और धन्नवाद करदे इस नगरां दा इस भैणां दा जिहड़ा कि अज डॉक्टर अंबेदकर जी का जन्मदिन मना रहे ने। पर दूसरे पासे साडा अज दसवें पिता जी जिन्हां ने खालसा पंथ साजिया स्थापना की सी अज वह भी पवित्र दिहाड़ा है। सो इस करके आपां इत्थे अज सारे नगर नूं और सारे हल्के नूं असीं वधाई देण पहुंचे जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम लखविंदर कौर है, मैं एक समाज सेविक हाँ और अज का जो असी डॉक्टर अंबेदकर का प्रोग्राम किया है ये साढ़े पिंड ने एक बहुत वड्डा इतिहास रचा है क्योंकि बहुत ही चिर तो इस पिंड दे विच ना तो साढ़े किसी भी वड्डे वडेरियां का कोई दिन त्यौहार नहीं मनाया जाता सी पर ये महिलावां ने एक बहुत ही वड्डा हल्ला मारिया है जिन्होंने अज आम आदमी पार्टी के नाल रल के डॉक्टर अंबेदकर का जन्म दिहाड़ा मनाया क्योंकि आम आदमी पार्टी एक सच्ची तो सुची सोच की मालिक है। उन्होंने इन्हों बहुत ही अहमियत दी है कि हर घर के हर ऑफिस के हर स्कूल के डॉक्टर अंबेदकर और सरदार भगत सिंह जी का चित्र लगाया जाए ताकि वह उच्ची और सुची सोच के मालिक सके। जो गल करिए कि जिवें आम आदमी पार्टी कह रही है कि असी हर घर के जी महिलावान हज़ार रुपया भत्ता देने की गल की है कि आम आदमी पार्टी को लगता है कि हज़ार रुपया भत्ता दूगी ज पिछली सरकार वालों साढ़े चार साल बाद ही वादे पूरे किए जाएंगे। आम आदमी पार्टी हरेक वादा जिहड़ा आ अज कंप्लीट कर रही है और हरेक MLA और हरेक जिसनों भी दायित्व मिलिया आ वह अगे अगे जाके अपना काम कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी से सानू इन्ना पूर्ण विश्वास है कि वह अपना हर वादा जिहड़ा पूरा करेगी। महिलावां लई 1000 रुपया बहुत ही मायने रखता है क्योंकि कई इस तरह दीआं महिलावां नहीं ने जिन्हों मतलब 1000 रुपया जिहड़ा उन्हां वास्ते लखां वर्गा है। देश दुनिया दीआं ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तों डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल तुहाडी अपनी आवाज़ पंजाब दी आवाज़ अजीत।